गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। तो फाइनली आ गए यहाँ पर है शॉप, तो आपको मैं अंदर ले जाके बताता हूँ। पहले अपने को लेना है राइस, तो यहाँ पर राइस जो है ना बादशाह जो 1-2 kg का है, ये कुछ समथिंग 299 है। तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि भाई यहाँ पर जो है ना जो घर में समोसा बनाते वो जो है ना आपको रेडीमेड मिल जाते हैं। यहाँ पर ये समोसा रहेगा, इसको ये जो है ना अराउंड 999, मतलब अराउंड 1000 रुपये के करीब इंडियन रुपीज़ में आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो समोसाज भी है और जो है ना जो रोल्स बोलते हैं ना वेज रोल्स वो भी है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ये रहा वेज रोल, ये भी आपको मिल जाती है। इसका प्राइस जो है सेम 999 है, मतलब 1000 रुपये के करीब में वो पैकेट पड़ती है इंडियन रुपीज़ में। सब यहाँ पर रेडीमेड मिल जाता है, उसको ले जाके अपन कुक कर ले सकते घर में, ऐसे कोई बात नहीं। और जो उसको जो मुरमुरे बोलते थे वो भी अवेलेबल है, देख सकते हैं ये भी मिल जाएगा आपको। ये भी अराउंड कुछ जो है ना 2 pound का है, बोलते थे जैसा कि चकला हो गया वो यहाँ पर भी अवेलेबल है 299। ये हो गया और ये रहा है जो ब्लैक मस्टर्ड बोलते हैं ना ये वाला है, जो 099 कुछ अकाउंट मिल जाएगा ये भी आपको। और ये ग्राउंड क्यूमिन का पाउडर, जीरे का पाउडर जो 499 वाला, मतलब 500 के करीब। ये जो है ना हल्दी है, ये भी अराउंड जो आपको 300 के करीब मिल जाएगा। सो एट द एंड आपको यहाँ पर सारे चीज़ अवेलेबल रहता है, सब कुछ नहीं है जो नहीं मिलता बोल के, ऐसा कुछ घबराने की बात नहीं है भाई। जो आपको यहाँ पर मिले आने के बाद जो स्पाइसेस मिलते हैं या नहीं मिलते, सब चीज़ अवेलेबल रहती है। यहाँ पर ऑयल जो नॉर्मली इंडिया में जो प्राइस रहता है यहाँ पर वही मान लो, इसका प्राइस जो है ना 199 की कुछ है, अराउंड 100 रुपये का समथिंग समझ लो। यहाँ पर जो मिठाई बोलते हैं ना वो यहाँ पर भी अवेलेबल रहता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ है इसमें, जो आपको अराउंड रेट मान लो यहाँ पर 4 for 1 pound, मतलब 4 can जो है ना 1 pound में मिलता, तो समझो कि बहुत सस्ते में ही मिल जाता आपको यहाँ ये। बट ये जो है ना सॉसेजेस है, और यहाँ पर जो है ना पनीर है, पनीर का सेक्शन है, पनीर भी अवेलेबल है, ये तो हर जगह मिल जाता है, उतना मसला नहीं है। ये 1.5 pound, मतलब 150 के करीब आपको मिल जाएगा। और दूध की बात करें, इसमें जो है ना ये दूध का कैसा है सिस्टम, कौन सा वाला दूध है, फ्रेश वे, मतलब यहाँ पर कही है जो कौ वाला होल मिल्क बोलते ना वो ये है। ये अराउंड कुछ जो है ना 1.5 से 2 pound का रहेगा, मतलब 200 रुपये 2 liter, हाँ 2 liter का है, 3 liter का है, अराउंड 3 liter का। और ये रहेगा एग का सेक्शन, एग जो है ना आपको यहाँ पर वाइट वाले भी एग हैं, और जो है ना ब्राउन एग्स जो बोलते हैं ना वो ये है। इसका प्राइस जो है ना 399, मतलब अराउंड मान लो इंडियन रुपीज़ में 350 के करीब, 350-400 रुपये के करीब ये ट्रे मिल जाता आपको, ये सही कुछ चल रहे। और पराठास, रेडीमेड पराठास आपको जो है ना घर पे आके फिर फ्राई करने के लिए खाने के लिए रहता, स्पेशली ये जो है ना 249 है, मतलब मान लो 210 के करीब जो है ना आपको सारे रोटी जो पराठास बोलते हैं ना वही अवेलेबल है यहाँ पर मिल जाता। लेडीज़ लोग जो खाई से खाते जो जो गच्चुप बोलते हैं ना वो रेडीमेड यहाँ पर भी मिलते हैं आपको, जो ना उसका जो वाटर फिलिंग वाला वाटर रहता वो यहाँ पर आके खरीद सकते हैं। इसका प्राइस जो है ना अराउंड थोड़ा महंगा है, लास्ट टाइम देखा था इसका प्राइस, यहाँ यहाँ पर 299। ये सारा आपको रेडीमेड अवेलेबल रहता है, बस इसकी स्टफिंग लेना रहता और आपको फिलिंग करके खा ले सकते हैं। तो फाइनली जो इंडियन शुगर लिए जो थोड़ा मोटा रहता है, बट इसका जो प्राइस है ना 499 मीन्स अराउंड जो है ना आपको इंडियन रुपीज़ में 450 के करीब आपको ये मिल जाता, मतलब ये थोड़ा सा मोटा है। जो बारीक वाला रहता जो मिश्री के टाइम में थोड़ा मोटा है, इतना फ़र्क नहीं पड़ता इसको जो है ना आराम से मिल जाएगा, ज़्यादा नहीं है। दाल वगैरह बोलते हैं जो मूंग दाल और जो चने की दाल बोलते हैं वो भी यहाँ पर अवेलेबल रहती, उसका अराउंड जो रेट आपको है 299। बहुत सारे लोग पूछे थे कि भाई दाल वगैरह मिलती नहीं मिलती, दाल भी मिल जाएगी आपको, तो कुछ नहीं है। और रेड जो मसूर दाल बोलते हैं ना वो भी अवेलेबल है, वो जो अराउंड है ना 349, मान लो इसका जो है ना 300 के करीब आपका रेट मिल जाएगा। ये वाला जो सब्ज़ी का सेक्शन है यहाँ पर है, आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर बनानास क्या रेट में रहते हैं। ये जो बनानास है 1 pound, मतलब आपको जो है ना 6 मिल जाएंगे, हाफ डजन इंडियन रुपीज़ में, मतलब अराउंड 80-90 रुपये में आपको मिल जाएंगे ये। और ये सारे एप्पल वाला सेक्शन है, और जो भी फ्रूट्स है ये ऊपर वाला सेक्शन है, और यहाँ पर जो कैरेट्स बोलते हैं ना वो यहाँ वाला है। ये भी थोड़ा अराउंड थोड़ा बहुत ज़्यादा रहेगा प्राइजेस इन कंपेयर करेंगे तो, बट आलू यहाँ पर थोड़ा सस्ता रहता, बाकी जो वेजिटेबल्स है थोड़े महंगे रहते। और ये अपना कुकुम्बर,
और ये टमाटोस वगैरह यहाँ है। इम्पोर्टेंट चीज़ जो इंडियन डेजर्ट रहता है जो गुलाब जामुन बोलते हैं वो ये रहा गुलाब जामुन। ये अराउंड आपको जो है ना 299 मीन्स 300 रुपये में आपको मिल जाएगा। हाँ, सबसे महंगी चीज़ जो यहाँ पर अपने को मिली वो जो है ना इलायची। ये अराउंड जो है ना 6 पाउंड की है, मतलब 650-700 के करीब जो है ना इलायची की। कितने ग्राम पैकेट है? 150 ग्राम। बहुत ज़्यादा महंगी है भाई ये, एक चीज़ महंगी है मंजू। यहाँ पर आके देखा, और जो मैं बात कर रहा था डेजर्ट का सेक्शन का, रसमलाई भी अवेलेबल है जो मेरी फेवरेट है, वो जो है ना 299 मीन्स 200 रुपये। फाइनली जो लेना था ले लिया, ऑलमोस्ट जो अपने को जाना है ज़रूरत थी जो घर में जो ख़त्म हो गया, तो वो सारी चीज़ें ले लिया जुबेर। अब जाना है घर पे, और एक चीज़ लेना बाकी था वो था अपना हुक्के का पॉट, मैं ऑलरेडी बोला तो वो अभी यहाँ से जाते हैं हुक्के के पॉट पे और वो लेते हैं। अगर आपको और ज़्यादा इनको प्लान में थोड़ा सा चेंज है, फर्स्ट राउंड के लिए हम लोग जो सामान लिए थे वो रखते हैं, फिर जो है ना सेकंड राउंड के लिए जो आधी शॉपिंग अधूरी थी वो करने के लिए निकलते हैं। ऑलरेडी बोला के जाना है हुक्का पॉट लेना है और थोड़ा सा राइस का राइस लेना है, राइस बैग वहाँ पर सही अवेलेबल नहीं था, दूसरी वजह से लेना है। फर्स्ट राउंड डन, सेकंड राउंड के लिए जाना। सो अपन आ गए यहाँ पर शीशा दुकान, शीशा मतलब हुक्के के पॉट की दुकान पे, यहाँ पर आपको मिल जाता। फाइनली जो है ना ये वाला ले लिया वो पॉट, ऑलमोस्ट जो है ना वो लास्ट वाला जो दिख रहा ना वो कॉर्नर पे वैसा दिखता है या ऐसा कुछ दिखता है। सो देखते हैं घर पे जाके उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, आपको बताता हूँ। सो हो गई सारी शॉपिंग खत्म, वो तबीयत से भूख लगी, खाना खाते हैं उसके बाद अनबॉक्सिंग करते हैं। टाइम फॉर अनबॉक्सिंग, ऐसा अनबॉक्सिंग कभी देखा है? अगर नहीं देखे तो देख लो अभी। फिर अभी जो है ना ये वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया यहाँ पर ही। अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करो और शेयर करो और सब्सक्राइब करो, जो भी न्यू व्यूवर्स हैं। आपको ये वीडियो में जितना हो सका मैं ट्राई करा के ग्रोसरी की शॉपिंग का, और जो है ना एक पार्ट था कि ये जो पार्ट जो हुक्के का है वो उसकी हमारे को हैबिट नहीं है, जैसे एक रिलैक्सेशन से काम करके स्ट्रेस से आते हैं तो वो हटाने के लिए बस थोड़ा सा जस्ट फॉर वीकेंड के लिए एंजॉय करने के लिए हमारे जुबेर भाई की ख्वाहिश थी वो पूरी कर दी है। तो यही कुछ था बस, और ज़्यादा कुछ इसका सीन नहीं है क्योंकि
इसको गलत ना समझे, इसके लिए जो है ना पहले ही बता दे रहा हूँ। और जो मैं लास्ट वीडियो में बोला था कि आपको जो भी टॉपिक पे रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करो, मैं 5 questions पिकअप करूँगा, 5 comments पिकअप करूँगा, इसके रिगार्डिंग मैं जो है ना वीडियो बनाने के लिए कोशिश करता हूँ, क्योंकि भाई मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं यार पर्टिकुलर टॉपिक पर सर्च करके और बना के आप लोगों तक शेयर करूँ। आप ही मेरे को सजेस्ट करिए कि ये टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा और आप लोगों तक शेयर करने की कोशिश करता हूँ। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, स्टे होम।